आउच, क्या हुआ बहू? वो माझी इनकी टांग लग गई थी। तो इस तरफ आराम से सो जा, इस कमबख्त को तो बचपन से ही सोते हुए टांगे चलाने की आदत है। अच्छा माझी। कल रात क्या हो गया था तुम्हें? क्यों चिल्लाई? अम्मा को बेकार में जगा दिया। तो तुम भी तो फालतू में उतावले हो जाते हो, जैसे पता नहीं। जैसे जैसे क्या? अरे बहू नाश्ता तैयार हुआ। बाय पापा। छोड़ जा। ठीक है, आई देखता हूँ। थैंक यू भाभी। एनी टाइम पलक। अब तुम सो जाओ, सुबह कॉलेज जाना है। क्या खेके करके हंस रहा है? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। अरे क्या हुआ मेरे सोनू को? भाभी देखो ना, मेरा जॉयस्टिक टूट गया। कोई बात नहीं, भैया की सैलरी आते ही वो तुम्हें नया जॉयस्टिक दिला देंगे। थैंक यू भाभी। क्या आज मैं आपके पास सो सकता हूँ? अबे नीचे कहाँ इतनी जगह है, तू पापा के साथ ही सोएगा। क्यों चिल्ला रहा है उस पे? अगर उसे बहू के पास सोने का दिल है तो सोने दे, कितनी जगह ले लेगा वो। क्या हुआ सोनू, क्या हुआ? सपने में ना कोई मुझे बड़ी जोर से गुदगुदी कर रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, सो जाओ। तो क्या वो तुम्हारी कमर नहीं थी? ओके बाय। बात सुनना। हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, और तुम्हें लगता है कि हमारी शादी पूरी हो पाई है अब तक? और शायद कभी होगी भी नहीं, जब तक इतने सारे लोग एक कमरे में रहेंगे। और अगर तुमने इसका सलूशन जल्दी नहीं निकाला तो मैं मैके चली जाऊंगी। इतना सुंदर घर, लेकिन ये सब आपने इतनी जल्दी किया कैसे? 1% महीना सिर्फ 4,500 दिरहम। मेरे पिया का घर नहीं, सिर्फ हम दोनों का। अब सिर्फ 1% पर मंथ में आप अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर डैन्यू प्रॉपर्टीज लेकर आया है दुबई में अपना घर खरीदने का मौका।